प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बनारस दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने बीएचयू में नोटबंदी को लेकर विपक्ष को आड़े हाथ लिया। पीएम ने राहुल गांधी, मनमोहन सिंह से लेकर तमाम विपक्षी दलों पर कटाक्ष किया, तो बीएचयू में पीएम ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। उनके एक युवा नेता है, अभी भाषण सीख रहे हैं, ऐसे करते हो भी ऐसे करते। जब से उन्होंने बोलना सीखा है और बोलना शुरू किया है, मेरी खुशी का कोई पार नहीं है। ।2009 में पता ही नहीं चलता था कि भाई इस पैकेट के अंदर क्या है, पता ही नहीं चलता था। अब पता चल रहा है कि भाई ये है ये नहीं। न बोलते तो बड़ा भूकंप आ जाता था और देश को इतना बड़ा भूकंप झेलना पड़ता, ये देश 10 साल तक उभर नहीं सकता था। लेकिन अच्छा हुआ कि बोलना शुरू हो गया तो पता चल रहा है भूकंप की संभावना बची नहीं। उन्होंने कहा जिस देश में 60% लोग अनपढ़ हो, वहां मोदी ऑनलाइन बैंकिंग की बात कैसे कर सकता है। मुझे बताइए साहब, कोई पढ़ा लिखा था क्या? मैंने कोई जादू टोना किया कि वो अनपढ़ हो गया? ये 60% अनपढ़ थे, ये रिपोर्ट कार्ड आपने किसका दिया जी, जरा बताओ तो। भाई बहनों, ये क्या कर रहे हैं उनको भी समझ नहीं है जी। तो भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, और लोगों को लगता है कि मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, फाइनेंस हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि 1970-72 से वो देश की अर्थव्यवस्था की कोर टीम में हमेशा रहे हैं, इतने लंबे सर तक। और इतने साफ कुशलता देखो, कोई दाग उन पर नहीं लगता है, होता सब है। सुमन चिदंबरम जी, उन्होंने कहा कि हमारे देश में 50% गांवों में अभी भी बिजली नहीं है, तो कैशलेस कैसे करोगे? अब बताइए साहब, कहीं पर बिजली थी किसी गांव में, मैंने आकर के खंभा उखाड़ दिएगा? क्या मैंने आकर के तार काट दिया क्या? मतलब चिदंबर जी, 2014 में तो आप कहते थे कि हमने इतना विकास किया है, इतना विकास किया है, काशी में मोदी की जमानत जब्त होनी चाहिए। अब कहते हैं 50% गांव अंधेरे में डूबे पड़े हैं।